ଆଜିର ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପୋଷଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇକିନା ବା ଅପୁଷ୍ଟିକର ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଯାହାକି ଆମେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ ଅତୀତରେ ନଗଡ଼ାରେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଠିକ୍ ରୂପରେ ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ଯେମିତି କୁପୋଷଣର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବୁ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଏଠୁ ବୁଝିକିନା ତାପରେ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଗୌରୀବାବୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୋଷଣ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଠିକ୍ରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର ବା ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଆମର କାମ ହିଁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଅର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ଚାରୋ ଉସମେ ଆତା ହେ। तो हेल्थ में हमारा क्या है कि ये न्यूट्रिशन एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है, मदर्स का न्यूट्रिशन। और इसके साथ साथ हर माता जो घर में खाना बनाती है वो खाना के जो भी पदार्थ बना रही है उसका उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है ये भी हम सिखाने का दायित्व तो लेते हैं, ताकि वो अपने घर में कोई विरुद्ध आहार ना बनाए और अपने परिवार के स्वास्थ्य को समझते हुए ऐसे आहार बनाए कि वो उनका स्वास्थ्य सही मायने में ठीक रहे। और जितना वो प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना खाना बनाए उसकी भी उनकी एक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि टिन फूड है या तो पैक्ड फूड्स जो आते हैं उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है, उसकी जो एक मिथ्या धारणा कितना है और कितना तक हमारा जो ये संसाधनों से जो हो रहा है उसकी क्या क्या अवधारणा है ये पूरा हम बताते हैं उसमें। और इसका बहुत असर हुआ भी है कि माताएं और जो आंगनवाड़ी जो बहनें होती हैं हमारी उनको भी हम ये सेंसिटाइज करते हैं, वो अपनी तरफ से अपने आंगनवाड़ी की तरफ से अपने पोषण ट्रैक की तरफ से पोषण अभियान की तरफ से ये बात को रखते हुए संपूर्ण पोषण एडोलेसेंट गर्ल्स में गर्भवती माताओं में और वृद्ध माताओं के बीच में ये अभियान चलाती हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं हर स्टेट के उसका भी हम कंपाइलेशन किए हैं, जो हमारे दादी नानी लोग का जमाने में जो रेसिपीज बनते थे वो बहुत ही पौष्टिक होते थे, उसको भी हम रिवाइव करके लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसकी जानकारी देने की कोशिश करती है। और मुझे बड़े हर्ष के साथ मैं कह सकती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी वो रेसिपीज को टेकअप करने में अपनाने में और उसको प्रोपोगेट करने में आगे आ भी रही हैं, बस उनको अवेयरनेस की कमी है इसलिए वो थोड़ा अंधेरे में रह रहे हैं। प्रॉपर अवेयरनेस से हमारी युवा पीढ़ी भी ये अच्छे चीज़ों को अपनाने में बहुत सक्षम है।